2024 में आज YouTube फिर अपडेट कर दिया है, जो हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसका वॉच टाइम 4000 आवर में कंप्लीट होता है कि नहीं, वॉच टाइम कंटेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता, इसी के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो अपना ये शॉर्ट वीडियो होते हैं 10 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं, जो उसका जो भी वॉच टाइम होता है उसको 4000 आवर में वो कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं कंप्लीट होता है ये मैं बताता हूँ आपको, कि आप उससे उस हावर से मोनेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका काउंटिंग वॉच टाइम नहीं होता है। पेज पे जो 4000 हावर वाला पेज है वहाँ पे काउंटिंग नहीं किया जाता है, यूट्यूब वहाँ पे काउंटिंग नहीं करता है। लॉन्ग वीडियो पे आपके काउंटिंग करेगा, शॉर्ट पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है शॉर्ट पे? क्योंकि आपके शॉर्ट वीडियो जो वायरल होते हैं, शॉर्ट वायरल फीड होते हैं, तो इसलिए वो नहीं करता है। या तो फिर वैसा वॉच शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम ऐसा कंप्लीट होगा, जैसे मान लो आप अपने शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल्स लगाए हैं बढ़िया, आपका थंबनेल्स देख के कोई बढ़िया से उसको क्लिक करा और वीडियो को देखा, वही आपका चैनल मतलब वही वॉच टाइम आपको काउंटिंग किया जाएगा 4000 में। वरना जो हम लोग सरकार के ऐसे देखते हैं शॉर्ट वीडियो, उससे वॉच टाइम कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। मोनेटाइज करने के लिए शॉर्ट वीडियो को 90 डे में आपको 3 मिलियन व्यू लाना है, तभी मोनेटाइज शॉर्ट वीडियो के चैनल पे हो सकता है। या अगर 90 दिन में आपका 3 मिलियन नहीं हो रहा है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। यही YouTube का सच है, और ये 2024 में ये अपडेट YouTube किया है। मैं आप लोगों को, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट करिए कि अगर